तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात कर लेंगे अक्टूबर महीने के महत्वपूर्ण दिन और जिस रूप में वो मनाए जाते हैं उनके बारे में भी हम लोग देख लेंगे। याद रखिए अभी तक हम लोग सितंबर महीने तक के सभी दिन देख चुके हैं और जिस रूप में मनाए जाते हैं, तो आपके महत्वपूर्ण दिवस के रूप में आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसी में सब कुछ डले हुए हैं। इसमें आपके स्थायी आंकड़े लिए जा रहे हैं। स्थायी आंकड़े कहने का मतलब है कि इसमें आपके जब मनाया गया किस रूप में मनाया जाता है, इसकी जो थीम होगी उसका हम लोग करंट अफेयर्स में अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं हर साल की थीम बदलती रहती है। तो इसमें वही आंकड़े हैं जो हमेशा आज से अगर आप 2 साल बाद देखेंगे, 3 साल बाद देखेंगे तो भी आपके लिए उपयोगी होंगे, ठीक है। लेकिन आप देखते हैं स्थाई आंकड़े हैं और थीम हमेशा बदलती रहती है, थीम के लिए हम लोग करंट में अपडेट होते रहते हैं। इसमें याद रखिए मुझे लगता है कि जो महत्वपूर्ण है उनको शामिल कर लिया गया है, और आपको लगता है कोई छूटा हुआ है तो आप नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है उसमें आप लिख सकते हैं, या फिर जुड़ते रहते हैं नए नए नहीं जुड़ते रहते हैं तो उनको भी आप नीचे लिख सकते हैं जो भी छूटा हो जहां भी, क्योंकि आप देखते हैं आपके वनडे एग्जाम यानी कि SSC बैंक रेलवे इस तरह के जो एग्जाम होते हैं उनमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। अब पूछ लेगा कि विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है, और आप सिविल सर्विस में देखेंगे तो उसमें आपके क्रम से लगाने के लिए आ जाते हैं कई बार स्टेट PCS में भी आ जाते हैं, तो इसके लिए महत्वपूर्ण भी है। सबसे पहले है विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर को ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। यह 1977 में उत्तरी अमेरिका शाकाहारी समाज का स्थापना दिवस है और ये 1978 से मनाया जा रहा है, ठीक है। इसलिए माना जाता है कि एक तरह से आप कहिए शाकाहारी से खुशी, करुणा, जीवन वृद्धि की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए इसका समर्थन किया जाता है, और यह शाकाहारी जीवन शैली के नैतिक, पर्यावरणीय, स्वास्थ्य और मानवीय लाभों के बारे में जागरूक भी बनाता है। एक तरह से आप समझिए कि मुझे लगता है कि आप लोग शाकाहारी होंगे तब आप ज्यादा खुश रहते होंगे। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मांसाहारी जो लोग होते हैं वो खुश नहीं रहते हैं, लेकिन कभी आपके दिमाग में अगर इस तरह के क्वेश्चन आने लगे कि आपने किसी जानवर को किसी एक तरह से देखिए सबका अधिकार उतना ही, सब में जान उतनी ही है, समझ रहे हैं, फिर चाहे एक चींटी हो, फिर चाहे एक मुर्गा हो, फिर चाहे एक बकरी हो, बकरा हो, ठीक है, तो आप सोचेंगे कि मैंने उसकी जान ली थी तो शायद मुझे लगता है कि आपकी शांति भंग हो जाए। तो कहा जाता है कि शाकाहारी कुछ ज्यादा ही खुश रहते हैं। फिर आप देखेंगे बुजुर्गों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। बुजुर्गों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं, 1 अक्टूबर को। ये एक और बात यहाँ याद रखिए, आज आप देख रहे हैं कि विश्व भर में किस तरह की स्थिति है बूढ़े व्यक्तियों की भी, आप देख रहे हैं अधिकतर लोग क्या कहते हैं, वृद्धा आश्रम छोड़ देते हैं माँ बाप को, तो उसी तरह एक तरह से उनके प्रति जागरूक करने के लिए इसे मना लेते हैं। अभी एक कहीं आर्टिकल पढ़ रहा था लॉकडाउन के बाद ही आपका, तो उसमें लिखा था कि एक बुजुर्ग मतलब एक माँ बाप से मिलने वृद्धाश्रम गया एक लड़का, और वो अपने मतलब मुंह पर मास्क लगाए हुआ था, जो आपने देख रहे हैं अभी कोरोना से बचने के लिए एक तरह से उपकरण भी है आपके सामने। तो वहां जो काम करने वाले हैं उन्होंने कहा कि तुम्हें तो पूरा मुंह ढक के आना चाहिए था, तुम तो इतने शर्म से गिर चुके हो, तुम्हारे लिए तो ये छोटा सा मुंह लगाना मतलब मुंह पर लगाना बहुत छोटी बात है, तुम्हें तो पूरा मुंह ढक के आना चाहिए क्योंकि तुम इस तरह कर्म ही किए हैं, समझ रहे हैं आप लोग। और कई जगह आपने पढ़ा होगा, वैसे भी कई लोग डालते रहते हैं कि कोरोना तो बहाना है, असली तो अपना चेहरा छुपाना है, इतना मतलब हम लोग गिर चुके हैं कोरोना की, सही कम से कम अपने मुंह मतलब छुपाने की जगह तो मिल रही है। चलिए खैर छोड़िए ये अलग बात है। फिर आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को कॉफी की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के लिए कॉफी दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। कॉफी दिवस हर साल अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन द्वारा मनाया जाता है। ध्यान दें कि कॉफी दिवस पहली बार 1983 में ऑल जापान कॉफी एसोसिएशन ने आयोजित किया था, तो ये पूछे तो 1983 में पहली बार मनाया गया था, ठीक है। तो
1 अक्टूबर को कौन कौन से डे मनाए जाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस। इन तीन को याद रखना, ठीक है? और भी अगर हो कोई तो आप नीचे लिख सकते हैं, लेकिन ये मैंने देखा है कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसीलिए आपसे बोलता हूँ कि 5 से 7 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लिया करिएगा जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कम से कम आपको पता तो चल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछने को मिल रहे हैं, क्या देखा जा रहा है, ठीक है? फिर आप देखेंगे 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जन्म दिवस मनाया जाता है, महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को ही आप देखेंगे विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। आप देखेंगे 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री जन्म दिवस भी मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को आप देखेंगे क्या क्या, एक तरह से अहिंसा दिवस इसीलिए मनाते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि बापू यानी कि गांधी जी हमेशा अहिंसा के रास्ते पर चले, इसलिए उनके जन्म को एक तरह से मना लेते हैं इस रूप में, ठीक है? और महात्मा गांधी का जन्म आप जानते हैं 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। इनकी भी बायोग्राफी हम लोगों ने कवर की है, लाल बहादुर शास्त्री की बायोग्राफी यानी कि जीवन परिचय एक तरह से इनका कवर किया हुआ है। तो बायोग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसमें सब कुछ इनके बारे में बताया गया है, वहां जाकर आप लोग देख भी सकते हैं। तो 2 अक्टूबर को भी याद रखिए। अब बात कर लेते हैं 3 अक्टूबर, विश्व प्रकृति दिवस आपका 3 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व प्रकृति दिवस। 3 अक्टूबर को ही आप देखेंगे जर्मन एकता दिवस, 3 अक्टूबर को ही जर्मन एकता दिवस भी मनाते हैं। जर्मन एकता दिवस जर्मनी देश का राष्ट्रीय दिवस है जो प्रतिवर्ष 3 अक्टूबर 1990 में जर्मन पुनर्मिलन की वर्षगांठ पर मनाया जाता है। ध्यान दें कि 1954 से 1990 तक 17 जून को जर्मन देश जर्मन एकता दिवस मनाया जाता था। इसके बाद 3 अक्टूबर 1990 में जर्मन पुनर्मिलन की वजह से जर्मन एकता दिवस प्रति वर्ष 17 जून और 3 अक्टूबर को आयोजित किया जाने लगा है। ये 17 जून को भी किया जाता है, 3 अक्टूबर को भी। 4 अक्टूबर की बात करें तो विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है, विश्व पशु कल्याण दिवस आपका 4 अक्टूबर को। 1 5 अक्टूबर को आप जानते हैं विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं। ये क्वेश्चंस कई बार बन चुके हैं, माफ करिएगा इसमें शामिल नहीं कर पाया हूं, लेकिन विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को शामिल कर लेना आप लोग, ठीक है? विश्व शिक्षक दिवस जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी आप लोग कहते हैं, ये सालाना 5 अक्टूबर को आयोजित किया जाता है। 1994 में स्थापित दुनिया के शिक्षकों की सराहना, आकलन और सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तभी से मनाया जा रहा है, ठीक है? 6 अक्टूबर की बात करें तो विश्व वन्य प्राणी दिवस मनाते हैं, 6 अक्टूबर को विश्व वन्य प्राणी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। इसकी स्थापना आप देखेंगे कि 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी, उसी उन्हीं की याद में, ठीक है? फिर आप देखेंगे 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस मनाते हैं, 9 अक्टूबर को डाक सेवा में जागरूकता करने और रोजमर्रा की जिंदगी में डाक सेवा भूमिका में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर 1874 में स्विट्जरलैंड में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना के उपलक्ष्य में विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। ध्यान दें कि पहला विश्व डाक दिवस 1969 में टोक्यो जापान में मनाया गया था, तो ये भी याद रखिए, पहली बार भी पूछा जा सकता है, टोक्यो जापान में। फिर आप देखेंगे विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, ये 10 अक्टूबर को, कब? 10 अक्टूबर को। मानसिकता की बढ़ती बीमारियों की रोकथाम के लिए यह दिवस आयोजित किया जाता है। वर्तमान में अधिकतर युवा पीढ़ी का मोबाइल के द्वारा मानसिकता स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए विश्व तौर पर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। एक बात और याद रखिए आप लोग, मोबाइल से सबसे ज्यादा आप देखिए कि हमारे दिमाग पर असर पड़ता है, हमारे दिमाग पर। अभी आपने देखा है कई आपकी एक तरह से रिपोर्टें भी आई हुई है, उसमें आप देखिए एक मतलब शराब का, एक तरह से सिगरेट का, इस तरह से हमें आदत नहीं पड़ जाती है, इसी तरह आज मोबाइल की भी पड़ चुकी है।
कि अगर दो चार बार आप मोबाइल उठा के ना देखें तो मुझे लगता है चैन नहीं पड़ता है। तो ऐसे भी जितना एक तरह से अपने आप को कंट्रोल किया करिएगा, ठीक है। 10 अक्टूबर को ही बचत बैंक दिवस भी मनाते हैं, बचत बैंक। 11 अक्टूबर की बात करें तो पत्र दिवस मनाते हैं, 11 अक्टूबर को पत्र दिवस। अब पत्र दिवस आप समझ रहे हैं, पत्र एक समय था कि पत्र दिवस मनाए जाते थे, अभी भी मनाते हैं लेकिन पत्र लिखे जाते थे, आप लोगों ने भी लिखे होंगे शायद। गर्ल चाइल्ड का अंतर्राष्ट्रीय दिवस एक अब 11 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर को, यानी कि कहने का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को गर्ल चाइल्ड का अंतर्राष्ट्रीय दिवस लड़कियों के अधिकारों और विश्व भर की लड़कियों द्वारा सामना होने वाले अनेक प्रकार की चुनौतियों को जानने के लिए दिवस आयोजित किया जाता है। यह दिवस पहली बार 2012 में मनाया गया था। दिसंबर 2011 में कनाडा देश द्वारा संकल्प को अपनाने के द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इंटरनेशनल गर्ल डे चाइल्ड की स्थापना की थी। इसे हिंदी में आप लोग अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी कहते हैं, इसे भी याद रखिए, ठीक है। 12 अक्टूबर को डाक टिकट संग्रह दिवस भी मनाया जाता है, 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर को आप लोग रजत जयंती दिवस भी मनाते हैं, 12 अक्टूबर को रजत जयंती दिवस भी मनाते हैं। 12 अक्टूबर 1993 को स्थापित होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रजत जयंती आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में मानवाधिकारों की उच्चतम शिक्षा विधिक निगरानी निकाय है, जिसे मानवाधिकार अधिनियम 1993 के प्रावधानों के रूप में स्थापित किया गया। निकाय में एक अध्यक्ष, 4 सदस्य शामिल होते हैं और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति और सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। याद रखिए 12 अक्टूबर को ही एक और दिवस मनाते हैं आप लोग, विश्व अंडा दिवस, विश्व अंडा दिवस, ठीक है, 12 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर की बात करें तो व्यापार दिवस मनाते हैं आप लोग, क्या मनाते हैं, व्यापार दिवस 13 अक्टूबर को। और याद रखिए 13 अक्टूबर को जी आप लोग अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है। 14 अक्टूबर की बात करें तो विश्व मानक दिवस मनाते हैं और 14 अक्टूबर को हम लोग बीमा दिवस भी मनाते हैं। 15 अक्टूबर की हम बात करें तो देखेंगे विश्व ग्रामीण महिला दिवस, महिला किसान दिवस भी मनाते हैं, या फिर कहिए विश्व ग्रामीण महिला दिवस मनाते हैं। प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को विश्व ग्रामीण महिला दिवस ग्रामीण महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका तथा योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला विश्व दिवस खाद्य सुरक्षा में सुधार, कृषि विकास में वृद्धि और ग्रामीण परिवारों में महिलाओं की भूमिका योगदान पर प्रकाश डालना है। ध्यान दें कि पहला विश्व ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर 2008 को आयोजित किया गया था, जिसे दिसंबर 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपने संकल्प 62-136 द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। तो पहली बार ये 15 अक्टूबर 2008 को आयोजित किया गया था, विश्व ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर, ठीक है। और 15 अक्टूबर को एक और दिवस मनाते हैं, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जयंती, ठीक है, इसे भी याद रखिए। पंद्रह अक्टूबर को एक और आप देखते हैं, विश्व छात्र दिवस भी मनाते हैं आप लोग, ठीक है। 16 अक्टूबर की बात करें तो विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं, 16 अक्टूबर, हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। यह दिवस वैश्विक खाद्य कठिनाइयों के बारे में जानकारी बढ़ाने और लोगों को उत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। ध्यान दें कि 16 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो इसी की याद में एक तरह से मनाते हैं। 16 अक्टूबर को ही विश्व एलर्जी या एलर्जी जागरूकता दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। फिर बात करें आगे, 17 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाते हैं, 17 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन हेतु
विश्व दिवस की दिवस गरीबी और विनाश को प्राप्त करने की को समाप्त करने की बारे में व्यक्तियों की जानकारी बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। यह दिवस जोसेफ ब्रेसेंस की ने कॉल टू एक्शन की 30वीं वर्षगांठ को भी नामित किया है, जिसने 17 अक्टूबर को गरीबी पर काबू पाने और गरीबी उन्मूलन के लिए विश्व दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और याद रखिए 17 अक्टूबर को ही आप लोग विश्व ड्रामा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 17 अक्टूबर को आप लोग विश्व ड्रामा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, फिर आप देखेंगे, हाँ जी, 20 अक्टूबर विश्व सांख्यिकी दिवस भी मनाते हैं। 20 अक्टूबर को आप लोग विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। और 20 अक्टूबर को ही आप देखेंगे विश्व ऑस्टियो पोरोसिस दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, 21 अक्टूबर की बात करें तो विश्व आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस मनाते हैं। ठीक है, और 21 अक्टूबर को ही भारतीय पुलिस स्मृति दिवस भी मनाते हैं, भारतीय पुलिस स्मृति दिवस। और आगे चलते हैं हम लोग, 24 अक्टूबर विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को हर साल आप लोग विश्व स्तर पर पोलियो रोग के खतरों की जानकारी बढ़ाने के लिए विश्व पोलियो दिवस मनाते हैं। पोलियो वैक्सीन की खोज करने वाली टीम के विशेष वैज्ञानिक जोनाल साल्क के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। ध्यान दें कि जोनाल साल्क की खोज ने ही पोलियो की वैक्सीन को विकास करने में अल्बर्ट अल्बर्ट सबिन की मदद की थी। तो याद रखिए विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी आप लोग मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस दुनिया भर के लोगों को संयुक्त राष्ट्र संगठन के लक्ष्यों और उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करने हेतु हर साल मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस संयुक्त राष्ट्र सप्ताह का एक हिस्सा है, जो कि आपका 20 से 26 अक्टूबर तक चलता है। ध्यान दें कि 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र चार्टर की स्थापना के संस्मरण पर संयुक्त राष्ट्र दिवस आयोजित करना प्रस्तावित किया था। तो आपको याद रखना है संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को ही आप देखेंगे कि विश्व विकास सूचना दिवस भी मनाते हैं, विश्व विकास सूचना दिवस। ठीक है, कब? 24 अक्टूबर को। अब आगे चलते हैं, इन्फेंट्री दिवस एक कब मनाते हैं? 27 अक्टूबर को। हर साल 27 अक्टूबर को भारतीय सेना द्वारा इन्फेंट्री दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 1947 में जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय पैदल सेना द्वारा सर्वोच्च बलिदान की स्मरण में याद मनाया जाता है। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने कश्मीर के भारत में मिलवाने संबंधी प्रस्ताव पर समझौता करने के बाद भारतीय सेना ने प्रथम बार जम्मू कश्मीर में दाखिला लिया था। ठीक है, एक बात और याद रखिए, अब 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में वो सभी प्रावधान लागू होंगे जो राज्य के अन्य हिस्सों में यानी कि देश के अन्य राज्यों में लागू होते थे। अब कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस तो ये देखेंगे आप लोग 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर को। ठीक है, और याद रखिए 30 अक्टूबर को ही आप लोग डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जयंती भी मनाते हैं। ठीक, फिर आपका 31 अक्टूबर विश्व बचत दिन आप कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को। हर साल 31 अक्टूबर को बैंकों पर नागरिकों के विश्वास को दोबारा स्थापित करने के लिए के लक्ष्य को विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 1925 में इटली के मिलान में विश्व बचत बैंक कांग्रेस के समय में स्थापित किया गया था। यह दिवस 1923 में जर्मनी के नागरिकों ने मौद्रिक सुधार नीति के कारण से बैंकों के समाप्त हुए विश्वास को दोबारा स्थापित करने के लक्ष्य से स्थापित किया था। ठीक है, और याद रखिए 31 अक्टूबर को ही आप लोग विश्व शहर दिवस भी मनाते हैं, विश्व शहर दिवस भी आप लोग 31 अक्टूबर को ही मनाते हैं। ठीक है, और अक्टूबर माह की अगर आपसे पूछे, अक्टूबर माह
का दूसरा गुरुवार आपका विश्व दृष्टि दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? विश्व दृष्टि दिवस के रूप में। एक बात और याद रखिए, अक्टूबर का दूसरा गुरुवार, अक्टूबर का पहला सोमवार आपका विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, आप लोगों को बताना है यहां 30 अक्टूबर को आपका विश्व बचत दिवस मनाते हैं, 31 अक्टूबर को आपका राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। इसमें गलती हो गई, मिसप्रिंट हो गया है, तो याद रखिए 30 अक्टूबर को आप लोग क्या मनाते हैं? विश्व बचत दिवस, और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को। पता नहीं कैसे मिसप्रिंट हो चुका है, तो आप लोग मुझे लगता है कि एडजस्ट कर लें। ठीक है, और जहां भी गलती हुआ करेगा आप लोग सुधार दिया करेगा, ठीक है, नीचे सुधार के लिख दिया करेगा। तो क्या कहेंगे आप लोग, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। आपके जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में सुना है ना, इन्हीं की एक तरह से जन्मदिन को कहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के उपलक्ष में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं आप लोग। तीस अक्टूबर को, ठीक है, तो याद रखिए, कई बार पूछा जा चुका है राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को। चलिए हम लोग नवंबर महीने के महत्वपूर्ण दिन देखेंगे और दिवस देखेंगे। और सरदार पटेल की अगर हम जन्म की बात करें तो 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। अगर इनकी डेथ की यानी कि मृत्यु की बात करें तो 15 दिसंबर 1950 को इनकी डेथ हुई थी। और राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत मनाने की शुरुआत की बात करें तो 31 अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ है मनाना, ठीक है, जब से नई सरकार आई हुई है।